मध्य प्रदेश में रीवा के पास नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस हैदराबाद से जबलपुर, कटनी और रीवा के रास्ते गोरखपुर जा रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि घायलों के इलाज पर खर्च होने वाली राशि का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। वहीं घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया गया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में सवार सभी लोग दिवाली के मौके पर अपने अपने घर लौट रहे थे। INS की रिपोर्ट।